हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर टुडे सेशन। हम देख रहे हैं सी लैंग्वेज, एंड सी लैंग्वेज में आज का टॉपिक है लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स। सो फ्रेंड्स, आज हम लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स क्या होते हैं ये हम जानेंगे। फ्रेंड्स, लास्ट के वीडियो में हमने देखा था हाउ टू राइट अ सिंपल सी प्रोग्राम, एंड इसके ऑल द माइनर डिटेल्स हमने कवर किए थे। सो आज के टॉपिक में हम लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स देखेंगे। सो फ्रेंड्स, बिफोर मूविंग टू लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स हमें ये जानना जरूरी है कि हाई लेवल लैंग्वेज एंड लो लेवल लैंग्वेज, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज एंड लो लेवल लैंग्वेज। फ्रेंड्स, जो लैंग्वेज मशीन को अंडरस्टैंड होती है, दैट इज जीरोस एंड वन फॉर्म में होती है, बाइनरी लैंग्वेज, वो लैंग्वेज है लो लेवल लैंग्वेज, दैट इज उसे कहेंगे मशीन लैंग्वेज। जो लैंग्वेज मशीन को अंडरस्टैंड होती है उसे कहते हैं लो लेवल लैंग्वेज। एंड हाई लेवल का क्या मतलब है, जो लैंग्वेज हम प्रोग्राम लिखते हैं, जैसे कि मानो हम सी का प्रोग्राम लिख रहे हैं, वो लैंग्वेज कौन सी होती है, इंग्लिश में होती है, सो उसे कहेंगे हाई लेवल लैंग्वेज। सो जब हम प्रोग्राम राइट करेंगे जो हाई लेवल लैंग्वेज में होगा, वो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ प्रोग्राम उसे लोअर लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए कुछ ना कुछ तो असेंबली चाहिए, सो उसको कहेंगे लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स। सो लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स कौन से हैं? फर्स्ट, असेंबलर। सेकंड, कंपाइलर। एंड थर्ड वन, इंटरप्रेटर। ये तीन लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स है, फर्स्ट वन कंपाइलर, सॉरी असेंबलर, सेकेंड वन कंपाइलर, एंड थर्ड वन इज द इंटरप्रेटर। ये असेंबलर क्या है, जो असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखा है, असेंबली लैंग्वेज में जो प्रोग्राम लिखा है उसे मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, जो कि असेंबली लैंग्वेज मतलब क्या है, जो निमोनिक्स फॉर्म में होती है। यहां तक क्लियर है कि असेंबलर क्या है, असेंबली लैंग्वेज को मशीन कोड में कन्वर्ट करने के लिए असेंबलर का यूज होता है। सो फ्रेंड्स, आया समझ में असेंबलर क्या है? देन सेकंड है कंपाइलर। कंपाइलर क्या है? कंपाइलर सेम लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, वो क्या करता है, जो सोर्स कोड है, जो हमने प्रोग्राम लिखा है सी लैंग्वेज में, सी प्लस प्लस में, उसे कन्वर्ट करता है मशीन कोड में, दैट इज जीरो एंड बाइनरी फॉर्मेट में होता है, जीरो एंड वन फॉर्मेट में जो होता है उसमें कन्वर्ट करता है कंपाइलर। सेम टास्क इंटरप्रेटर करता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर दोनों में एग्जैक्टली डिफरेंस क्या है ये हम देखेंगे। सो फ्रेंड्स, मान लो हमने एक प्रोग्राम लिखा है सी लैंग्वेज में, उसे कहेंगे सोर्स कोड, ओके, उस सोर्स कोड को कन्वर्ट करना है लो लेवल लैंग्वेज में, वो काम करेगा कंपाइलर, ओके। सो सपोज मान लो हमने ये प्रोग्राम लिखा है, इस प्रोग्राम को कन्वर्ट करना है, तो कंपाइलर क्या करेगा, पूरे प्रोग्राम को कंपाइल करेगा, कंपाइल करने के बाद उसका ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट करेगा। ऑब्जेक्ट फाइल मतलब क्या है कि उस कोड को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। ऑब्जेक्ट कोड क्या होगा, उस मशीन लैंग्वेज को कन्वर्ट किया हुआ कोड, उसको कहेंगे ऑब्जेक्ट फाइल कहेंगे उसे, ओके। सो उस सोर्स कोड की एक ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट करेगा obj नाम से, .obj नाम से, ओके, प्रोग्राम का नाम प्लस .obj, ऐसी फाइल, ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट होगी। देन उस फाइल को क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा एग्जीक्यूटेबल फाइल में, ओके। एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम, जो एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम है वो हम कौन से भी प्लेटफॉर्म पे रन कर सकते हैं। सपोज मान लो हमने एक प्रोग्राम कंपाइल किया, उसकी एग्जीक्यूटेबल फाइल क्रिएट हो गई, और उस एग्जीक्यूटेबल फाइल को हमने दूसरे कंप्यूटर में रन किया, तो उस फाइल को कंपाइलर की जरूरत नहीं होगी, क्यों, क्योंकि वहां पे वो एग्जीक्यूटेबल फाइल है, वहां को बार बार कंपाइल करना जरूरी नहीं होगा। सो ये मेन फंक्शनैलिटी है कंपाइलर की, वो क्या करता है, पूरे कोड को कंपाइल करता है, कंपाइल करने के बाद उसे ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है, एंड ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करने के बाद उसकी एग्जीक्यूटेबल फाइल क्रिएट होती है। सपोज मान लो इस प्रोग्राम में कुछ एरर है, सो एरर है तो ये क्या करेगा, पूरा कोड कंपाइल करेगा, एंड अगर एरर है तो उस एरर की पूरी लिस्ट डिस्प्ले होगी, देन उसको
अगर एरर है तो उसको उसकी ऑब्जेक्ट फाइल या कोई एग्जीक्यूटेबल फाइल क्रिएट नहीं होगी। आया समझ में ये कंपाइलर कैसे वर्क होता है? तो देखो इंटरप्रेटर कैसे काम करेगा। ये मान लो हमारा सोर्स कोड है, इस सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करना है। सोर्स कोड मतलब सी लैंग्वेज में लिखा हुआ प्रोग्राम, हमारा सी लैंग्वेज हो या सी प्लस प्लस में हो। सो ये इंटरप्रेटर क्या करता है, लाइन बाय लाइन कन्वर्जन करता है। लाइन बाय लाइन मतलब ये फर्स्ट लाइन उठा ली, उसको कन्वर्ट करेगा मशीन कोड में, देन सेकेंड लाइन उठाएगा उसको कन्वर्ट करेगा, देन थर्ड लाइन उठाएगा उसको कन्वर्ट करेगा। सो अगर यहाँ पे देखो इस लाइन पे इरर है, सेकेंड लाइन पे मान लो सेकेंड लाइन पे इरर आता है, तो वो वहाँ पे स्टॉप हो जाएगा, वहाँ पे वो इरर मैसेज डिस्प्ले होगा। देखो डिबगिंग इसमें इजी है, डिबगिंग इजी है मतलब क्या है कि यहाँ पे एरर मैसेज आता है, एरर डिस्प्ले होता है, वहां पे वो स्टॉप हो जाएगा, एरर हमें डिस्प्ले होगा, हमें मतलब हमें इजीली पता चल सकता है कि कौन सी लाइन पे एरर है। सो कंपाइलर में वहां वैसे नहीं होता, कंपाइलर क्या करेगा पूरा कोड स्कैन करेगा एंड देन उसको कन्वर्ट करेगा, एंड कन्वर्ट करने से पहले उसके उसमें अगर कुछ एरर है तो वो पूरी लिस्ट दिखा देगा। सो इंटरप्रिटर में इजीली अंडरस्टैंड हो जाता है कि कौन सी लाइन पे एरर है। ओके अगर सेकेंड लाइन पे एरर है तो वहां पे स्टॉप हो जाएगा और एरर मैसेज डिस्प्ले होगा। सो यहाँ पे टाइम ज्यादा लगता है प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने के लिए, टाइम ज्यादा लगता है कैसे, देखो ये लाइन बाय लाइन स्कैन कर रहा है, लेकिन कंपाइलर क्या है एक ही स्टेप में पूरा स्कैन करेगा एंड उसे कन्वर्ट करेगा। आया समझ में? कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर पूरा कोड स्कैन करता है, उसमें उसके बाद उसकी ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट करता है, देन उसकी एग्जीक्यूटिबल फाइल क्रिएट करता है। सो यहाँ पे स्टोरेज स्पेस ज्यादा लगती है, वैसे इंटरप्रेटर में नहीं है। कंपाइलर पूरा कोड स्कैन करता है, तो कंपाइलर ने स्कैन करने के बाद उसकी ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट होती है, एग्जीक्यूटिबल फाइल क्रिएट होती है। एक सी फाइल क्रिएट होने के बाद हम उसे कौन से भी प्लेटफॉर्म पे रन कर सकते हैं, मतलब कौन से भी पीसी पे ये हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अगर इसकी एग्जीक्यूटिबल फाइल क्रिएट होती है तो ये सोर्स कोड, मतलब हमें ये सोर्स कोड की जरूरत नहीं होती, ये एग्जीक्यूटिबल फाइल हम उठा के दूसरे पीसी पे रन कर सकते हैं इनपुट देके। सो सोर्स कोड इसमें लगेगा नहीं कंपाइलर में। कंपाइलर क्या करेगा, उसकी ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट करेगा, एएक्सई फाइल क्रिएट करेगा, एंड एएक्सई फाइल को हम कहाँ भी रन कर सकते हैं, एक प्लेटफॉर्म पे दूसरे प्लेटफॉर्म पे। ओके सो इंटरप्रेटर में क्या होता है, इंटरप्रेटर में ये कोड सोर्स कोड हमेशा लगेगा कि जब हम प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेंगे तो ये सेम वैसे फंक्शनलिटी करेगा, कैसे लाइन बाय लाइन स्कैन करेगा और उसका आउटपुट लाइन बाय लाइन डिस्प्ले करेगा। सो यहाँ पे स्पेस ज्यादा लगेगा कंपाइलर के लिए, इंटरप्रेटर के लिए कम लगेगा। क्लियर हो गया कि सोर्स कोड हमें कंपाइलर में बार बार सोर्स कोड लेने की जरूरत नहीं होगी, अगर उसकी exe फाइल होती है तो हम उसे कहीं भी रन कर सकते हैं, लेकिन इंटरप्रेटर में वैसे नहीं होता, हमें सोर्स कोड हमेशा लगेगा एग्जीक्यूट करने के लिए। गॉट इट फ्रेंड, यहाँ तक क्लियर है? सो फ्रेंड्स अब लास्ट डिफरेंस क्या है, लास्ट डिफरेंस कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर कहाँ पे यूज होता है। कंपाइलर सी, सी प्लस प्लस में, सी शार्प में यूज किया जाता है, इंटरप्रेटर पाइथन पर्ल इस लैंग्वेज में यूज किया जाता है। सो फ्रेंड्स ये था कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर का मेजर डिफरेंस। गॉट इट फ्रेंड्स, यहाँ तक आपको क्लियर है? कुछ भी आप इसमें डाउट हो तो कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो फ्रेंड्स दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर, वी सी समथिंग न्यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम थैंक यू, टेक केयर, बाय।